इतिहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू इतिहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है जैसा कि हम सभी जानते हैं लॉकडाउन चार यानी कि चौथा फेज जारी है आज भी मुकम्मल तौर पर कारोबार जारी नहीं है लेकिन रमज़ान का मुबारक महीना भी जारी हमने पिछले कुछ दिनों पहले मुफ्ती तुफैल साहब की एक वीडियो को अपलोड किया था जिसे लोगों ने काफ़ी सराहा और लोगों की जानब से कई सारे राय मशवरे आए कि इस तरह की दीनी मालूम हमें आपके चैनल के ज़रिए दी जाए आज फिर से हम मुखातिब होते हैं रूबरू होते हैं जनाब मुफ्ती तो फ़ैल साहब के साथ लॉकडाउन के अंदर हम क्या कर सके क्या कर सकते हैं और दीन जिम्मेदारियाँ क्या है और उसे किस तरह से निभाना चाहिए सलामकम वरह वर्काईक वरह लबरकू الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم واسأل الله العافية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محترم حضرات جيسا كي اب سب جانتے ہیں لوك دون کا سلسلہ مسلسل جاري هي فورت لوك دون آس شروع ہو چکا هي सारी इंसानियत परेशानी में जूझ रही है कि कैसे इस बीमारी से निमटा जाए हम चलते हैं हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और उससे हम सबक़ हासिल करते हैं कि देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह के नबी आ सलाम ने इंसानियत के लिए आफियत तलब करने पर और आफ़ियत के चाहने पर जितनी तर मुश्किल हो और जैसी ही मुसीबत हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ख़त्म करते हैं और आफियत देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान और यकीन के बाद सबसे बड़ी दुआ आफियत की दुआ है आफियत किसको कहते हैं इसको समझें कि आफियत तंदुरुस्ती का नाम है जिस्म की ताकत का नाम है आफ़ियत बीमारियों से महफूद रहने का नाम है आफ़ियत मुसीबतों और परेशानियों से महफूद रहने का नाम है हर तरह से हर इंसान की ख्वाहिश है कि दुनिया में वो आफियत से रहे सुकून कल्ब के साथ रहे इतमान कल्ब के साथ रहे तो उसे अल्लाह तबारक ताल से आफियत तलब करनी चाहिए जब बंदा अल्लाह ताल से आफ़ियत तलब करता है अल्लाह तबारक उसे आफियत देते हैं हजूर आलम का ये मामूल था कि जब कोई इंसान इस्लाम कबूल करता तो अल्लाह के नबी उसे कलमा पढ़ाने के बाद सबसे पहली दुआ आफियत की दुआ सिखाते थे और फरमाते कहो कुल अल्लाह मगफिरली वमनी वह दीनी व आयाफीनी ये दुआ है तो हर मुसलमान भाई को चाहिए कि आफियत की दुआ खूब तलब करें हजरत अबूबकर सिद्दीक अल्लाह रजियल्लानू मम्बर रसूल पर खड़े हैं और रोने लगे और आफियत की दुआ इरशाद फरमाई और कहने लगे कि यही वो मंबर है एक साल पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जमाने ज़िंदगी में थे रोते हुए आफियत की दुआ तलब की इस वजह से वो वक्त याद आता है तो मैंने भी जो है आफियत की दुआ मांगी और मुझे रोना आया तो ये मालूम हुआ कि हुजूर आल सलाम ख़ुद अपनी ज़ात के लिए आफियत की दुआ तलब करके रोया करते थे तो हर ज़्यादा तो मोहताज हैं अल्लाह तबार से आफ़ियत तलब करने के हजरत अब्बात रजी अल्लाह अनहू से बहुत बड़ी मोहब्बत अल्लाह के नबी को आपके चचा थे आके कहने लगे भतीजे मुझे एक ऐसी दुआ सीखा जो बहुत अफजल हो बहुत कीमती हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चा जान अल्लाह ताला से आप आफ़ियत को तलब करें रसूल अक्रम सम ने इर्शाद फरमाया मन असबहहा मिन कुम आमिनफी सिर भी वन फी जसद व इंद होत यम जो इंसान सुबह अपने घर में इस हालत में करे कि वह बिस्तर से अमन के साथ उठे उसके जिसम उसका जिसम सही सालिम हो तंदुरुस्त हो और उसके पास एक दिन का खाना मौजूद हो तो वो ऐसा है जिसे पूरी दुनिया सिमट करके उसके पास आई हुई ऐसी एक सहाबी आए अल्लाह के नबी के पास कहने लगे अल्लाह लग के नबी मा यदउ अवैधन यदि अफजल अल्लाह के नबी एक ऐसी दुआ सिखाई कि बंदा अल्लाह के बाद दुआ करे और सबसे वो कीमती दुआ हो सबसे अफजल दुआ हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह ताला से तफ़ियत तलब करो दूसरे रोज़ फिर वो सहाबी हाज़िर हुए और कहने लगे अल्लाह के नबी कुछ दुआ सिखाई हो जो सबसे अफजल दुआ हो अल्लाह के नबी ने फ़रमाया अल्लाह ताला से आफियत तलब करो दूसरे तीसरे रोज़ फिर वो सहाबी आए और कहने लगे अल्लाह के नबी कोई अफजल दुआ सिखाइए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला से आफियत तलब करो अब हम देखेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस को सामने रखते हुए कि आफ़ियत किन मौक़ों पर हमें तलब करनी चाहिए नंबर एक बैन अलैनीत लादा अजान और अकामत के दरमियान दुआएँ रद्द नहीं की जाती तो हमें चाहिए कि जैसी अजान ख़त्म हो हम अल्लाह तबारक ताली से आफियत तलब करें एक सहाविया रसूल अल्लाह के नबी के पास आया और कहने लगे अल्लाह के नबी आजान इकामत के दरमियान में क्या मांगूँ अल्लाह ताली से हजूर ने फरमाया सलील आफिया अल्लाह आफियत तलब करो दूसरे बीन सजद तयीन दो सजदों के दरमियान अल्लाह तबारक तफियत तलब करें आप जरा गौर करें कि इससे बढ़ करके कोई और मौका नहीं होता है जिसमें बंदा अपने रब से उतना करीब हो जो सजदे में होता है उसकी नाक उसकी पेशानी उसका माता जमीन पर टिका हुआ है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बिल्कुल करीब है और हुजूर फरमा रहे वहाँ पर आफियत तरब करो और अल्लाह के नबी ये दुआ मांगते अल्लाह मकफरली वरनी वह दिनी व आयाफिनी वजुखनी वजबरनी वरफानी ये सात दुआएं अल्लाह के नबी दो सजदों के दरमियान मांगा करते क्या माना है उसका अय अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा मुझे मुआफ़ फरमा मुझे रिस्क अता फ़रमा मुझे हिदायत नसीब फरमा मेरे जिसम में आफ़ियत नसीब फरमा मेरे गुनाहों को दरगुजर फरमा और मुझे बुलंद मकाम अता फरमा तीसरे वित्र की नमाज़ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफियत सिखाई जब तीसरी रक़ात के लिए हम खड़े हों अल्लाह ताला से कुनूत जब हम कहें उसमें अल्लाह के नबी ने इर्शाद फरमाया कि अल्ला महदीनी फ़ी मन व आफ़ीनी फ़ीमन आफैत तुम मुझे हिदायत फ़रमा तो मुझे आफियत अता फ़रमा तहजद की नमाज़ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफियत तलब करते एक साहबी आए हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास कहने लगे कि आप मुझे बता दीजिए कि हुजूर तज़द की नमाज़ में क्या दुआ मांगा करते थे सईदना सिद्दीक़ा आयशा रजील्हा ने फरमाया किल्ला वसल तब जा के लिए खड़े होते तो फरमाते अल्लाह दस मरतबा अलहमदल्ला दस मरतबा अल्लाह अकबर दस मरतबा लस मरतबा अल्ला दस मरतबा उसके बाद कहते मग फिर वरहमी व आफिनी आफियत तलब करते तहज्जुद के वक्त में भी आफियत पांचवें जब इंसान सोने के लिए बिस्तर पर पहुंचे तो देखें बहुत ही बहुत अहम मकाम है

सो करके जब बंदा उठता है और आप तो जानते हैं कि ये दुआ में इतनी अहमियत है कि कितने सारे लोग सो जाते हैं फिर दोबारा जिंदगी का सूरज देखना नसीब नहीं होता वही उनकी रूह बंद हो जाती है और जब इंसान उठे तो फिर जो है वो आफियत की दुआ मांगे कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं सो जाते हैं सुबह उठते हैं दिमाग जो है उनका हाजिर नहीं होता है पागल हो जाते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो अपाहिज बन जाते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की बीनाई खत्म हो जाती है कितने लोग ऐसे हैं जिनके हाथ हाथों तो पैर शल हो जाते हैं फालिज हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल रबुल्जत जब सो करके उठे तो दुआ मांगे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए अलहमद लमाम रूही जिसने मेरी रूह को मेरे बदन में वापस लौटा दी व आफानी फी जसदी और मेरे जिस्म में आफियत बख्शी ये सो करके उठने के बाद हजूर आल सलाम ने दुआ सिखाई ये दुआ मांगे जब किसी मरीज के पास नंबर आठ जब किसी मरीज के पास जाएं या किसी मुसीबत जदा की यादत के लिए हम जाएं तो वहां पर अलैहि वसल्लम ने आफियत की दुआ सिखाई कि जब तुम किसी मरीज को देखो कि जिस बीमारी में मुबतला है उस वक्त में सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तारीफ है उसकी सतश है तबारक ने मुझे इस बीमारी से महफूज रखा और बड़ी फदीलत मुझे जो है वो आता की फरमाते हैं इस दुआ की बरकत से इन जो बीमारी सामने वाले को लाक है जिस परेशानी में वो मुबतला है अल्लाह इज़्ज़त इस दुआ की बरकत से ज़िंदगी भर उसको उस बीमारी से और उसकी उस परेशानी से महफूज रखेंगे इसी तरीके से हम कब्रिस्तान बारहा जाते हैं हम अपने मुर्दों को दफन करते हैं वहाँ पर भी हजूर आल ने हमें आफियत सिखाई है देखें जब अल्लाह के नबी कब्रिस्तान जाया करते सलाम करते, करतेकुम या अहल दियारिनीनसलिमिन तुम पर सलामती हो ईमान वाले ए मुसलमानों उसके बाद कहते हैं नसअल्लाफिया ए कब्रिस्तान वालों मैं अल्लाह तबारक व ताल से हमारे लिए भी आफियत तलब करता हूँ और आपके लिए भी आफियत तलब करता हूँ ये एक अहम मौका है कि इंसान को जितनी ज़िंदगी अच्छी है उससे बेहतर उसकी मौत हो इसकी कोशिश करनी चाहिए देखें कि कितने लोग जो मर करके कब्रस्तान में पहुंचते हैं कोई बखतूल बन करके जाता है कोई खुदकुशी करके निकल जाता है कोई कैंसर में मर के जाता है कोई एड़िया रगड़ते रगड़ते महीनों अपने बिस्तर पर रहता है उसके बाद उस आलम में पहुंचता है कोई जिसम में कीड़े हो करके जो है निकल जाता है कोई किस किस अंदाज से उसकी मौत आती है और कब्रिस्तान पहुंच जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि उन कब्र वालों को देख करके इबरत हासिल करो और अल्लाह ताला से आफियत तलब करो अपनी मौत के लिए भी हजूर ने फरमाया अयाफ़ी नहीं अल्लाह मुझे आफियत दे कहाँ वे दुनिया आया मेरी दुनिया की जिंदगी में भी व दीनी मेरे दीन की ज़िंदगी में भी व अहली मेरे घर वालों में भी व माली मेरे माल में भी आफियत दे तो इंसान को चाहिए कि अपने कारोबार में भी आफियत अल्लाह ताला से तलब करें बीवी बच्चों में भी आफियत तलब करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ देखें कितनी जामे है कि हजूल फरमा रहे हैं। आफिनी फी बदनी। मेरे बदन में आफियत व आया फीन बसरी मेरी आंखों में आफियत वी और आफियत को मेरी नस्लों की विरासत फरमा आदमी खुद अपने लिए ना मांगे बल्कि अपने बीवी के लिए अपने बच्चों के लिए अपने वालदेन के लिए आने वाली नस्लों तक की आफियत को तलब करें जब इंसान आफियत तलब करेगा उसके खानदान दर खानदान अल्लाह रब्ल आफियत को सुकून को इतमीन को बीमारियों की सफाई को अल्लाह रब्जत जो है वो नस्लों तक बाकी रखेंगे मुफसरीन ने एक नुकता यह लिखा है कि हजरत यूसुफ़ वाली की सलित सलाम को जब मुकदमा पेश हुआ वैसे तो वो नबी हैं हर काम मिन जानबी उनका होता है मगर एक नुकता जो है वो बताने के लिए उम्मत को ये बताया है कि जैसी मुकदमा उनके सामने हुआ तो उन्होंने फरमाया रब अहब्ब कि मुझे जेल जाना पसंद है इस बात से जिस बात की तरफ औरत बुला रही है ओलमा ने लिखा है कि उन्होंने जेल को तरजीह दी अगर उस जगह ये जुमला कहते हैं अल्लाह तो मुझे आफियत फरमा तो लिखते हैं कि फिर हजरत यूसुफ जेल भी ना जाते Allah की तरफ से उन्होंने जेल तलब की अल्लाह आगे दो आयतों के बाद कहते हैं हमने उनकी दुआ को कबूल किया यानी जेल को पसंद किया अल्लाह ने उसको कबूल किया अगर वो आफियत तलब करते अल्लाह रबुल्जत फालम हैं, वो आफियत देते तो इंसान को चाहिए कि आफियत को खूब तलब करें या रमदान का महीना एक लॉकडाउन में जो बीमारी मुसलसल फैल रही है लोग परेशान हैं इसमें हम सुबह शाम सोते उठते बैठते हर जगह आफियत को तलब करें और आफ़ियत को खूब दुआओं के अंदर मांगे इससे जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हर बीमारी से हम महफूज रहेंगे हमारे बीवी बच्चे आराम से रहेंगे तो ये आखिर शरा भी चल रहा है रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब दुआओं को कबूल करते हैं तो इस वक्त में हम कसरत से हुजूर ने फरमाया ईमान यकीन के बाद इस्लाम के कबूल करने के बाद सबसे बड़ी दुआ आफ़ियत की दुआ है अल्लाह अल्ला इज्जत से दुआ है अल्लाह तबारा हम तमाम उम्म मुसरमा को अल्लाह इज्जत से पूरी उम्मत के लिए खूब आफियत और सलामती मांगने की तोफ़ी नसीब फरमाए व आखिर रब